हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मनको समस्त स्वागत अभिनंदन ओएस टीवी यूट्यूब चैनल को एवं ओएस टीवी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आपण माने टाइटल जो देखु चंती टाइम सुना समय सुना एटा जानंतु सारा विश्व रे प्रत्येक लोक प्रत्येक व्यक्ति विशेष अनुभव करिया दरकार कारण टाइम इज एवरीथिंग दुनिया रे जी भी जहां भी किछ अचीव करी छी जे कोन से फील्ड रे खाली सिविल सर्विस नो आईएएस ओएस खाली नो इंजीनियरिंग कोन तो मेडिकल कोन तो साइंटिफिक इन्वेंशन कोन तो डिस्कवरी कोन तो जहां भी वर्ल्ड रे कोन तो आर्ट एंड कल्चर कोन तो अभिनय करन तो गीत गान तो नाचन तो खेलन तो जहां भी करन तो ना काई की चासो करन तो गप लेखन तो एमते बहुत पॉसिबिलिटीज अछि बहुत गोल अछि वर्ल्ड रे ये सब गोल पछरे जानिबा दरकार जो जिंस अच्छी जो कॉन्सेप्ट अच्छी जो अदृश्य शक्ति रा हाथ अच्छी जाको व्यवहार कले जाको अनुभव कले जाको मैनेजमेंट कले जाको यूटिलाइज कले जाको इस्तेमाल कले प्रॉपर्ली पूरा एकदम सही स्ट्रेटजी रा सक्सेस हबो तार ना हो जी टाइम टाइम इज मनी बेंजामिन फ्रैंकलिन कहले टाइम इज गोल्ड टाइम इज लाइफ टाइम इज एवरीथिंग इफ टाइम इज वेस्टेड लाइफ इज वेस्टेड विद टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल विद टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल विदाउट टाइम नथिंग इज पॉसिबल आगे हां बंधुगण टाइम विषय रे जगत रे सारा विश्व रे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर ज्ञानी गुणी संत इकोनॉमिस्ट समस्त आगे बहुत कथा कहिछन्ति किंतु भीतर कथा होची टाइम कहा को अपेक्षा करे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन टाइम इज एवरीथिंग द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट वैल्यू ऑफ टाइम इज एवरीथिंग लाइफ इज ऑल अबाउट सेकंड्स मिनट्स आवर्स देन यू विल गेट डेफिनेटली गेट योर गोल जेतेबेले ए मोमेंट रे आपण माने देखुछन्ति कारण आपण पाकर टाइम अछि टंका थाई परे किंतु किणी हबनी टाइम धन थाई परे जौवन थाई परे किंतु टाइम कहा को अपेक्षा करिवन या ना होची टाइम ये जो आपण माने देखु चंती ये जागा रे म एइत पई छिराई छी ये होची सुना या पई वर्ष वर्ष धरी मेहनत करिया को पड़ता ये धाना सुना को पाइयो पई यार अन्य ना भी होची टाइम आपण आइस पीपर हो पई चाहन छथि कोन दरकार एमी तो बहुत जिंसो दरकार किंतु जो जिंसो दरकार से होची टाइम तो टाइम को जे यूटिलाइज कर दिया के सब जिंस पाई जो लाइफ रे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन टाइम इज एवरीथिंग टाइम इज लाइफ गोटे कथा रे अछि इफ यू वांट टू गिव ग्रेटेस्ट गिफ्ट सारा विश्व रे सबठरु बड़ गिफ्ट उपहार जदि दबाव का चाहौ चंती से धन न हो जौवन नुह रत्न नुह कौन सी वस्तु नुह से जीवन रिचि क्षण टाइम तो समय हूँ गोल्ड टाइम इज गोल्ड समय हूँ सुना असल सुना टाइम थरे चली गले आसीबार चांस ना धन हजिगले आउ थरे पाइबे धन को उल्टे दे न ध जा धरी पारिबनी से हूँ धन मन को उल्टे दे न म जा मरिबनी ता हूँ मन किंतु टाइम को समय को उल्टे दे लागे से मिलिवार नहीं अर्थात समय थरे चली गला पर आ मिलिबो नहीं थरीवार अछि बुझिवार अछि अनुभव करियार अछि तो समय को अनुभव करियार अछि आपण भावंतु गोटे दिन होची 24 घंटा आ गोटे घंटा होची 60 मिनिट आ गोटे मिनिट होची 60 सेकंड ये कांसेप्ट को बुझियार अछि गोटे मिनिट हो केते 60 सेकंड गोटे घंटा ताले केते ला 3600 सेकंड 3600 सेकंड एवं 24 गुणी दियो 24 घंटा केते सेकंड टोटल 86400 होची आपनकर गोटे दिन 24 घंटा रो वैल्यू ये होची रेडी कैश ये 86400 सेकंड 86400 डॉलर 86400 टंका 86400 मुद्रा थोरे हाथुर चली गला पर आउ मिलि बनाई दैट इज कॉल्ड टाइम लाइफ ये होची जीवन ये होची जीवन समय को जदी धरी कर कामर लगे देले सुना है जीव आ द धरी परले पळे जीव आ जीवनटा अंगार है जीव तार ना होची टाइम तार ना होची समय समय होची तीन
ସତ୍ୟ ଶିବ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ତିନ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛି ତିନ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ହେଉଛି ତିନ, ବାଳକ ଭିକାରୀ ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ତିନ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ତିନ, ତିନ ତିନ ଗୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ନଅ। ଏ ନବତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ହେଉଛି କାଳ କାଳାୟ ନମ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସମୟ। ସମୟ ବଡ ବଳବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ୍, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ୱେପନ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଏନି ଗୋଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟାଇମ୍। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନବତତ୍ତ୍ୱ ନ କଣ ପାଇଁ କହିଲି, ଟିକେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଛ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 36 ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି 26,400 ସେକେଣ୍ଡ। ଆପଣ ଟିକେ ମିଶେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 36 ସେକେଣ୍ଡ, 3 + 6 + 0 = 9 କେତେ ଲାଗେ, ନଅ। ଇଏ ହେଉଛି ନବତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଯେ 24 × 6,400 ସେକେଣ୍ଡ, ସିଏ ହେଉଛି 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, ପୁଣି 4 + 4 କେତେ ହେଲା, 18। 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, 1 + 8 = କେତେ, ଇଏ ହେଉଛି 9। ମାନେ ନବତତ୍ତ୍ୱର ଆଧାର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କି କନସେପ୍ଟ, ଇଏ ଶରୀର ଯୋଉ ସରିଯିବ, ଇଏ ଦେହ ଯୋଉ ଦହନ ହବ, ଏଇ ଶରୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିବେ। ଇଏ ଦେହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଦହିଯିବ, ଜହନ ହେଇଯିବ, ଜଳିଯିବ, ସିଏ ହେଉଛି ଦେହ। ଶରୀର ସରିଯିବ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶରୀର। କଥା ହେଉଛି କଣ, ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଶରୀର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 9ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନବ ଦ୍ୱାର ନବ ଗ୍ରହ ଅଛି, ନଅ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କଣ, ଟାଇମ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିବନି। ତେଣୁ ଟାଇମ୍କୁ ଯିଏ ବୁଝିଗଲା, ଖାଲି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ନୁହଁ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେବେ, ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଟାଇମ୍। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାବରେ ଇଂଲିଶରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱେଷ୍ଟେଡ୍, ବିକଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଟାଇମ୍। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ, ମିନିଟ୍ସ, ଆୱାର୍ସ, ଡେଜ୍, ୱିକ୍ସ, ମନ୍ଥ, ଇୟର୍ସ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତ ଟାଇମ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ଏବଂ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେ ଟାଇମ୍କୁ ଆମେ ମୁଠି ଘର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ମୁଠିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ମୁଠିକି ଆସିବ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ଟେନସନ୍ ହଉ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ, ଯାହା କିଛି ହଉ ନା କାହିଁକି, ଓଷ୍ଟାକୁଲ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ଓଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ଓଷ୍ଟାକଲ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟେପିଂ ଷ୍ଟୋନ୍ସ। ଯେତେ ବି ଓଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସୁ, ଟାଇମ୍କୁ ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି। ଇଏ ପ୍ରମିଜ ହବା ଦରକାର, ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ହବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବେ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଦି ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।